सो दिस इज योर रिवीजन टेस्ट वन है आज आपका, ठीक है। उसके बेसिस पे आपके थ्री चैप्टर्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थ्री चैप्टर्स यू आर गोइंग टू गेट इन द रिवीजन टेस्ट वन, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज किंगडम प्लांटिंग। यही वाले थे ना गुरसिमरन? हाँ जी, रिवीजन टेस्ट वन में तीन ही थे ना हमारे, ठीक है। सो दिस इज किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। सो हमने ये रिविजन्स कर ली हुई हैं एंड व्हाट आई थॉट ऑफ डूइंग टुडे वाज योर क्वेश्चंस डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशंस करेंगे हम क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज फ्रॉम द किंगडम प्लांटिंग चैप्टर के मैंने अभी खोले हुए हैं यहाँ पे। एंड सेकेंड, अदिति जस्ट आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, एंड सेकेंड हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के असर्शन रीजन मैंने अभी ओपन किए हैं। So we will be discussing a few of those and then along with your doubts we will be coming to these, right? Anji, Aditi, what do you want to say? Ma'am, life cycle wala topic bhi rehta hai. Kya? Life cycle wala topic bhi rehta hai. Life cycle maine kal discuss kiye to hain saath saath mein unke. Life cycles haplontic, diplontic as such nahi maine banaye hain aapke liye, aur angiosperm ka life cycle jaise fertilization wali concepts mein wo bataiye. एंजियोस्पर्म्स वाला जो है ना आपका, फ्लावर्स वाला जो है एंजियोस्पर्म वाला, वो सारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको उसका पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल बन के आ जाए। अब इतना बड़ा लाइफ साइकिल बनाना तो है ही नहीं आपने, ठीक है। हो सकता है आपको वहां पे स्टेजेस बना के आ जाए इन द कॉन्टिन्यूएशन एरोज मार के, और पूछेंगे कि आपको कि इनमें से कौन सी स्टेज रॉन्गली प्लेस्ड है, ठीक है। वो पीछे आनी चाहिए थी, आपने बीच में रख दी। जैसे एम्ब्रियो मैंने लेट से गैमेट से पहले रख दी हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो दैट कंसेप्ट शुड बी क्लियर। सेकेंडली आपको ये दिया जा सकता है कि उस डायग्राम बेस पे सिर्फ बुक वाले या फिर जो मैंने भी आपको बना के दिए हैं वो सारे भी, क्योंकि मैंने थोड़े से एक्सप्लेन्ड वे में बनाए थे, बुक ने थोड़े से लाइट वे में बनाए हैं। सो डायग्राम्स आपको अलग अलग बने पड़े आ सकते हैं, अलग अलग लाइक 6-7 डायग्राम आ गए, एंड देन यू आर आस्क्ड टू प्लेस डायग्रामेटिकली इन अ सीरियल ऑर्डर इन योर पेपर, यू कैन गेट दिस, ठीक है। पेपर में से आपको ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि डायग्राम्स आपको 5-6 आ रहे हैं और उनको आपको प्लेस करना है। अब ये 5-6 में सारा लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगा, हो सकता है कोई आपको स्टेज बीच में से स्किप कर दे, हो सकता है जैसे हमने एम्ब्रियो ड्रॉ किया था तो हमने एम्ब्रियो स्टेज स्किप कर बीच में से स्किप कर दी, ठीक है। मैंने डायग्राम में नहीं दी आपको, मैंने दिया फ्लावर दिया, मेल गैमेट दिया, फीमेल गैमेट दिया, डबल फर्टिलाइजेशन जो करता दिया, आपने ये सब कुछ अरेंज कर दिया एंड उसमें जो आपको लेबल्स मिलेंगे ABCD करके, डायग्राम्स बनाने तो है ही नहीं आपने, ठीक है। आपको लेबल्स मिल गए, 4 डायग्राम है तो ABCD आ गया, 6 डायग्राम्स है EF आ गया साथ में। अब आपको उनकी रीअरेंजमेंट में ऑप्शंस आएंगे। कैसी ऑप्शंस आएंगी? जैसे अगर सपोजिंग मैंने आपको भी क्या बोला, ए पे मैंने मेल गैमेट दिया, बी पे मैंने लेट से फीमेल गैमेट दिया, सी पे फ्लावर दे दिया, देन डी पे मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन शो करता दे दिया, कुछ भी, ठीक है। देन योर आंसर ऑप्शन विल बी लाइक दिस, ABCD, ये इस तरह से आपकी आंसर ऑप्शन है। तो यहाँ आपको करेक्ट मैच ढूंढना है, करेक्ट मैच लेट से पहले ए और बी आएंगे हमारे पास, बी और ए और बी दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों के मीट से, राइट। पहले ए बी फिर सी फिर डी, ये आ गया हमारे पास, या फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया सी ए डी बी आ गया, या फिर हमारे पास ऑप्शन है सी डी ए बी, या ऑप्शन है सी ए बी डी। अब बताओ मुझे इनमें से सही क्या है। And you raise up your hand for these options. This will be diagram based. ठीक है, ये diagram based भी हो सकता है, word based भी हो सकता है, you never know, right? हाँ जी, बी ए आ जाए, ए बी आ जाए तो बात सेम है, gametes है ना। अब ये तो हमने बोला ही नहीं है कि पहले कौन सा germinate करेगा, हमने ऐसा concept तोड़ना पड़ा, दे बोथ आर germinating, gametes दे दिए आपको male female, चलो ये रहने दो, आप ये लगा लो कि यहाँ पे ए आपका है मेगास्पोर मदर सेल, चलो ठीक है, ए आपका मेगास्पोर मदर सेल है, बी फीमेल गैमेट है, सी फ्लावर है, डी आपका डबल फर्टिलाइजेशन है, प्लेस देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। यहाँ तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में लिख के दे रही हूँ ना, अदरवाइज यू कैन गेट इट थ्रू डायग्राम्स। डायग्राम्स में अब आपको ये नहीं लिखा होगा कि यहाँ पे मदर सेल है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। आपको वहां पे डायग्राम में उन्होंने बना के दे दिया, दिस इज लाइक मदर सेल, आपको ये दे दिए, ठीक है, लेट से ये इस तरह से दे रही है। तो दिस इज अंडरस्टूड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेगास्पोर मदर सेल, 3 डिजेनरेट होते हैं, एक डेवलप होता है, तो ये कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे,
ठीक है, ये आपको माइंड में कंसेप्ट अपने अप्लाई करने पड़ेंगे. यस, गिव मी द आंसर फॉर दिस, रेज अप योर हैंड्स क्विकली बेटा, बिकॉज फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम योर इंटरनेट वी आर नॉट गेटिंग एट ऑल द क्वेश्चंस टू बी फ्रेम्ड इन डिफरेंट मैनर्स. व्हाट वी आर गेटिंग इज वन क्वेश्चन वन आंसर, दैट्स इट. बट ऐसी चीजें हम अपने माइंड से ही फ्रेम कर रहे हैं. यू हैव टू जस्ट सी टू दिस. यस, टेल मी, टेल मी द आंसर फॉर दिस. जल्दी करो, इतना देर, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में. यू विल बी सॉल्विंग 35 एमसीक्यूज इन 90 मिनट्स. ओके, 35 एमसीक्यूज इन 90 मिनट्स. On an average, you are getting 3 minutes for one question. On an average, only those which are tougher ones, ठीक है, जो आपके toughest questions होंगे, ऐसे वाले time consuming, उसमें आपको 3 मिनट मिलेंगे. उससे ज्यादा खर्चा तो आप लोगों ने question करवाना नहीं, answers के marks कटवाओ. हाँ जी, एक answer आ गया मेरे पास, बाकी लोग बोलो जल्दी. Think of, be quick. हाँ जी, थिंक ऑफ, जल्दी करो. ख्याति, सहज, रमनजीत, राघव, नमन, मनजोत, ख्याति, अरमन, अंजलि, अदिति, दिया, विष्णु, ज्योतप्रीत, जल्दी करो बच्चे. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन वाज, दोज हू जॉइंड लेट, जस्ट लिसन. दीज आर द सेवरल स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. I have written in short, this is megaspore mother cell, this is a female gamete, this is a flower, and this is double fertilization. Okay, you are to place them in the correct serial order. Yes, still confused. Why the confusion is there? Raise up your hand those who are confused. Anji Kyati, you have an answer or a confusion? मैम, ए बी डी सी. ए बी डी सी आंसर कौन सा है? ये नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी नहीं है. ख्याति, अपने आंसर नहीं क्रिएट करने हैं. हाँ जी दिया. मैम सी ऑप्शन. हाँ जी मैम, सी ऑप्शन. सी ऑप्शन, सी डी ऑप्शन, सी डी ए बी, ए वाला. ओके सहज, आई जस्ट लिसन टू द सेवरल आंसर्स एंड देन आई विल कंक्लूड द आंसर. हां जी सहज, सी सी ऑप्शन, डी डी सी ऑप्शन, दिस सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला. लास्ट वाला, ओके. सहज इज सेइंग लास्ट वाला. रमन जी एक सेकंड. हां जी मैम, डी ऑप्शन. B as a boy or D as a dog? D as a dog. D as a dog. Okay. The correct answer is this. D. गलत क्यों बोलना हमने? देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास फ्लावर होगा. सबसे पहले हमारे पास फ्लावर आएगा. वो तीन आंसर्स में नजर आ रहा है तुम्हें. फ्लावर सबसे पहले होगा. उस फ्लावर के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो मॉडिफिकेशन देंगे. फर्स्ट मेगास्पोर मदर सेल, उसी के जो टिश्यूज हैं, फ्लावर जो मॉडिफाइड शूट बनी है उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हो गया. वो मेगास्पोर मदर सेल ने अपने अंदर एम्ब्रियो सैक बनाया. जब सेवरल डिवीजन अंडरगो करता है, 3 माइटोटिक डिवीजन, फीमेल गैमेट बना, उसके बाद वो फीमेल गैमेट डबल फर्टिलाइजेशन के लिए अंडरगो होगा. सो दिस इज सी ए बी डी, सी ए बी डी. ठीक है, सो ये आंसर है आपका बच्चे. आपने कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द स्ट्रेटजी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. जो आपको हिंट्स दिए जाते हैं आप उसी में से आंसर पहले अपना फ्रेम कर लो, वो सबसे आसान काम है. ठीक है, अगर आप यहाँ से अपना आंसर फ्रेम कर लेते कि पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर के अंदर मॉडिफिकेशन आएगा, पहले सी आया, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर वो गैमेट बनाएगा और फिर डबल फर्टिलाइजेशन करेगा. आंसर मैच करो, सीधा आपके पास है ना. If you are going to locate कि पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर किस किस में है, टाइम वेस्ट करोगे. ठीक है, देन उसके बाद शायद एमएमसी होगा या फीमेल के मीट देख लेते हैं, ए कितनों में, बी कितनों में, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल नहीं चलेगा. ठीक है,
teachers, they are framing the questions and taking too much of the time to frame the questions, especially me. I'm taking too much of the time to frame the questions because I can think of from your point of view as well. Okay? आप किस तरह से आंसर ढूंढोगे, आप यही ढूंढोगे कि ज्यादा कौन सा है, फिर इधर ज्यादा कौन सा है, फिर लास्ट वाला कौन सा है, कॉमन कौन सा है, ए कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कॉमन ज्यादा कौन सा है, वहां पे आंसर ढूंढोगे. अच्छा ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है ना, ऐसा नहीं करना. आपने सिर्फ क्वेश्चन का आंसर खुद फ्रेम करना है, उसका आपने ऑप्शन ढूंढ लेना. ठीक है, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर फ्रॉम दीज, राइट. मोस्ट प्रोबेबली 99.99% chances are that there will be no confusion in these options. If you get to have a confusion, like अगर आपको कोई confusion, कोई doubt लगता है, जैसे अभी मैंने बोला, आपने भी कहा मेरे को confusion में कि मैंने यहाँ पे मेल के मीट दिया करो. ठीक है, अब आपके लिए confusion है कि A भी पहले आ सकता है, B भी पहले आ सकता है. ठीक है, और मैंने option में, let's say अगर ये मेल के मीट होता तो मैंने option ये बनाया C A B D, दूसरी तरफ मैंने बना दिया C B A D. बात तो सेम ही है, सी और डी एंड में रहने थे, ए भी कहीं पे भी आ सकते हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है. हो सकता है ऐसा भी कंफ्यूजन आ जाए, लेकिन उस टाइम के लिए द टीचर्स आर देयर विद यू. ठीक है, यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ क्वेरी हियर दैट दिस इज हैविंग द सेम आंसर्स, यू प्लीज रीचेक द क्वेश्चन एंड देन वी विल बी चेंजिंग द ऑप्शंस अदरवाइज. ठीक है, तो अदरवाइज 99.9% चांसेस आर दैट यू विल बी हैविंग द करेक्ट आंसर, नो कंफ्यूजन्स. ओके, वन थिंग मोर, your NCERT reading is must. Okay, the words, the terms that which are there in your NCERT, there are a few terms that which are just a term in your NCERT, sirf wo ek word hai. Theek hai, humne yahan pe uske bare mein ek aadhi baat kari hogi, uske bare mein maine aapko bataya hoga, lekin bahut zyada detail mein shayad nahi bataya hoga, but you should have a clear knowledge about the topic then. I'm not saying ki aapne kuch net se ratta marna hai kuch utha ke, लेकिन आपको समझ होना चाहिए कि वो टॉपिक है क्या, वो टर्म है क्या. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द लिविंग वर्ल्ड में, ये फर्स्ट चैप्टर जो दी थी आपने अभी पूछा, ऑर्डर एंड क्लास वाला पैराग्राफ है ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है सिंपल, आपकी हायरार्की है, देन पहले किंगडम आता है, फाइलम और डिविजन आता है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये आता है सारा लेवल्स. ठीक है, यहाँ हमने किंगडम से स्पीशीज सारे कनेक्शन ऑफ द रिलेशन हमने पढ़ ली है. अब यहाँ देगा क्या, इस ग्रुप में, इस पेज में, इस पैराग्राफ में देगा क्या, क्लास क्या है, दैट इज द फर्दर डिवीजन ऑफ द फाइलम, है ना. अगर फाइलम को अगर हम डिवाइड कर दें सेवरल पार्ट्स में डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स, डिसिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटी के फीचर पर ही आप इसको करोगे ना, तो क्लासेस बनेंगी. क्लासेस क्या है, सेवरल ऑर्डर्स का इकट्ठापन, ये भी लिख सकते हैं. समझ आया दीदी, क्लास है क्या, कला क्लास को फोकस करो, क्लास क्या है, दैट इज यहाँ तो फाइलम को डिसिमिलैरिटी बेसिस पे आपने बांट दिया तो सेवरल क्लासेस बन जाएंगी एक फाइलम. ठीक है, या बहुत सारे ऑर्डर्स में जो कॉमन करेक्टर्स को इकट्ठा कर देते हैं तो क्लास आ जाएगा. समझ आया, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू फॉर अ क्लास. ठीक है, स्टैंड्स ट्रू फॉर अ क्लास, स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, ये स्टेटमेंट में आपको बोला कि दैट द फाइलम दैट वाज डिवाइडेड फर्दर इनटू द सेवरल ऑफ द ग्रुप्स. ठीक है, दैट इज द क्लास ओनली, सो सेवरल ऑफ द ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी ऑफ करेक्टर्स, देन द क्लास हैज बीन मेड डिपेंडिंग अपॉन द डिसिमिलैरिटी ऑफ द करेक्टर्स, द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द ऑर्डर्स इज कॉल्ड एज अ क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू और फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉल्स, ये बताओ इनकरेक्ट कौन सी है इनमें से स्टेटमेंट, सिमिलैरिटी वाली. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास जब बनी तो वो डिसिमिलैरिटी से बनी, सिमिलैरिटी से नहीं. एक एक वर्ड से आपको चेंज आ सकता है, इस तरह भी पूछा जा सकता है. दूसरा, आपकी बुक में ही बच्चे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कुछ, मैंने आपको बोला था कि देयर इज ऑर्गेनिजम्स विद अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये देखो अगर आपके पास एनसीईआरटीज पकड़ी है, यू कैन सी ये टेबल दिया है, इसमें चार ऑर्गेनिजम्स एनलिस्टेड है, इस टेबल की सारी क्लासिफिकेशन गिवन. ये तो आसान है, आपसे अगर मैं पूछ लू कि मैन बिलोंग्स टू द विच ऑर्डर, ठीक है कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, आप फटाफट से आंसर दे दोगे. ऑर्डर्स में मैंने चारों लिख देने, प्राइम मेटा है, देन डिप्टेरा है, सेपिंडेल्स है, पोइल्स है. अब ऑर्डर्स चार ऑप्शन आ गई मेरे पास, एबीसीडी है ना, मैंने चारों में से डाल दिया, किसको बिलोंग करता है, यू विल बी मार्किंग द प्राइम मेटा दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैन होमोसेपियंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से क्वेश्चन, ये तो आसान है क्योंकि टेबल में गिवन है,
आप एक लाइन में रटा मार लेंगे कि दिस इज ऑल द क्लासिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्रैमिंग है, ठीक है। अगेन द सेम इन योर बुक ऑल्सो, लाइक ऑन द पेज जस्ट नेक्स्ट टू दिस, ये देखो ये वाले पेज पे आपका टेबल था, यही वाली साइड पे आके देखो आपकी बुक्स हैं आपके पास, तो यहाँ ये जो क्लास वगैरह के ये पैराग्राफ्स एक्सप्लेन्ड है, इनमें भी नाम लिखे हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं और कुछ ग्रुप्स के नाम हैं, ये आपने जरूर याद करना अलोंग विद द टेबल। अगर कोई डिफिकल्ट पेपर डालना चाहता हो तो वो आपके पैराग्राफ्स में से उठा के डालेगा, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा अभी यहाँ पे, दैट इज व्हाट इज द ऑर्डर टू विच गोरिल्ला बिलोंग्स, गोरिल्ला बिलोंग्स टू द ऑर्डर प्राइमेटा, बुक में दिया है, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला एंड गिबॉन इज प्लेस्ड अंडर द क्लास मेमेलिया अलोंग विद देयर अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा, ये सब लिखा है ना। सो अब अगर ये आपको क्लासिफिकेशन में आता है, व्हाट इज द क्लास ऑफ द गिबॉन्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द गोरिल्लास, तो ये पता होना चाहिए, समझ आया, जस्ट दिस मच। बहुत सारी क्लासिफिकेशन नहीं मैं कह रही हूँ आपको याद करने, लेकिन बुक एटलीस्ट आपके पूरी फुल फ्लेज माइंड में हो, बुक में कुछ भी टर्म्स गिवन है तो बिल्कुल आपके माइंड में हो। नाउ कमिंग टू द दिस पैराग्राफ क्वेरी फॉर क्लास, बस यही लिखा हुआ है कि ये सारे एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, अदिति इट इज ओके, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला गिबॉन इज प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, मतलब क्या है, क्लास मेमेलिया है और ऑर्डर कार्निवोरा के साथ इसका एक और ऑर्डर है प्राइमेटा, यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेमेलिया की दो क्लासेस बताओ, ये भी तो कह सकते हैं, एक होगी सॉरी ऑर्डर्स बताओ, क्लास मेमेलिया की दो ऑर्डर्स बताओ, प्राइमेटा और कार्निवोरा, दो आ गए ना, है ना, यहीं पे दिए हुए देखो बुक में, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर कैट एंड डॉग। चलो अब इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइगर कैट एंड डॉग बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, प्राइमेटा डिप्टेरा या जो भी आपको दिया, प्लस साथ में कार्निवोरा, इट इज कार्निवोरा गिवन इन योर बुक, इट्स ऑल गिवन इन योर बुक्स, ठीक है। देन यू हैव सीन ऑर्डर में देखा है, यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर्स, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी डिसिमिलैरिटीज, ठीक है, मतलब उसके करेक्टर्स की डिसिमिलैरिटीज कर दोगे तो अगला ग्रुप बनेगा, पिछला बनाना है तो एग्रीगेट कर दो, इकट्ठा कर दो, एग्रीगेशन ऑफ ऑल द करेक्टर्स, ऑर्डर्स की एग्रीगेशन कर देंगे, क्लास बनेगी। अभी उसने बोला कि स्पीशीज जीनस और फाइलम सॉरी जो फैमिली है ये तीनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, अब इनकी एग्रीगेशन अगर मैं कर दूंगी तो ऑर्डर बन जाएगा, ऑब्वियस है ना। सो यही लाइन लिखा है, देन ऐसे ही ऊपर वाले जो भी आपके टैक्सोनॉमिकल फीचर्स हैं उनमें भी, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज, यस असेंबलेज मींस इकट्ठी कर दी हमने फैमिलीज, ठीक है, विच एग्जिबिट अ फ्यूअर सिमिलर करेक्टर्स, फ्यूअर सिमिलर करेक्टर्स, फैमिलीज जो हैं वो कम करेक्टर्स ओबे करती हैं सिमिलर, तभी तो उनको अलग किया ऑर्डर से, ऑर्डर में सिमिलैरिटी ज्यादा थी, बांट दिया डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे तो फैमिली बन गई है ना, तो दे ओबे द फ्यूअर विच एग्जिबिट्स अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स, द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। अब फिर से जेनरा के जो करेक्टर्स होंगे वो और ज्यादा कॉमन करेक्टर, एक जेनरा, जेनरा जैसे हम हैं होमो सेपियंस, ठीक है, अब ह्यूमंस में होमो सेपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ये सारे हमारे इंसेस्टर्स हैं, ठीक है, इंसेस्टर्स में जहाँ हमने पढ़े थे, हम कहते हैं ना हमारे प्राइमेट्स से बन के आए हैं, ह्यूमंस जो है बन के आए हैं, चिंपैंजीज एप्स ये वो चीजें आपने पढ़ी हैं सुनी हैं, तो वहां से जब एक ह्यूमन जैसा ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन गया वहां से उनको नाम मिलना शुरू हो गया, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस एंड फाइनली होमो सेपियंस। वी आर द मॉडर्न मैन, जो अर्ली मैन था दैट वाज होमो सेपियंस, वी आर द मॉडर्न मैन एंड वी आर कॉल्ड एज होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है, हमारा सब स्पीशी भी है, हमें और ज्यादा करेक्टराइज कर दिया। अब होमो जितने हैं, होमो सेपियंस में होमो जितने हैं हम सब ह्यूमन ही हैं, है ना, वो जो आपके अर्ली मैन है उनको भी तो मैन ही कह रहे हो, वो भी होमो है, हम भी होमो है, इरेक्टस वाला भी होमो जैसा लगता था, कुछ करेक्टर सिमिलर है ना, बात वो अलग है कि उसका पोस्चर थोड़ा इरेक्ट में आ गया था, स्टिल नॉट एज सिमिलर टू अस,
ठीक है, फिर इरेक्ट हो गया प्रॉपर, दैट वाज इरेक्टस, फिर उसके बाद प्रॉपर होमोसेपियंस बना, होमोसेपियंस ने बहुत मतलब मुशक्कत की और अपना सर्वाइवल बढ़ाया, एंड फाइनली वी द मॉडर्न मैन वी आर हियर। समझ आया? सो ये क्या है, जेनरा में होमो में हम सारे ह्यूमंस हैं, हमारे तो करेक्टर सेम है ना, पर अब जो अर्ली मैन है और मॉडर्न मैन है इनके करेक्टर्स डिफरेंट है। ठीक है, वो कौन डिफर कर रहा है? जेनरा नहीं करता, वो करता है स्पीशीज। स्पीशी में स्पेसिफिसिटी आती है, ये मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक जो बिल्कुल टिका के एक ही है वो स्पीशीज है। अब आज के मॉडर्न मैन को कंपेयर करो, सारे मॉडर्न मैन सेम है, वो बात अलग है कि थोड़े बहुत करेक्टर्स अलग है, हेयर कलर अलग हो जाएगा एज यू गो टुवर्ड्स अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटिशर्स को देखेंगे, अमेरिका कनाडा जाओगे तो वहां पे आपको गोल्डन हेयर्स बहुत कॉमन नजर आएंगे, है ना, ब्राउन, लाइट ब्राउन, गोल्डन, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर्स ये हमारे है ना एशियन करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर द सेम, बट अ फ्यू करेक्टर्स आर डिफरिंग, एंड वी डू ऑल्सो हैव द पीपल लाइक विद गोल्डन हेयर्स, वी ऑल्सो हैव द पीपल विद द लाइट ब्राउन हेयर्स, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन में। ठीक है, सो वी आर सिमिलर, वी आर स्पेसिफिक, वी आर द स्पीशी डिफरेंटिंग द होमो सेपियंस फ्रॉम होमो सेपियंस एपियन इज स्टिल जस्ट अ बिट ऑफ द डिफरेंस, छोटा सा एक डिफरेंस था जिससे सब स्पीशी बन गए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ आके आपके करेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी रहता है वो हम और उसको डिफाइन कर देते हैं विद द स्पीशी फॉर्मेशन, और भी अगर एक आधी छोटी सी डिसिमिलरिटी रहेगी तो उसको सब स्पीशीज से हम डिफाइन प्रॉपर कर दें। जैसे आपका मॉडर्न मैन का एग्जांपल दिया, यहाँ हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो दैट्स इट। ओके, सो दिस इज प्लांट फैमिलीज लाइक कॉनवल्वेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीनोमियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये दोनों फैमिलीज के नाम दिए हैं जो कि पॉलिनोमियल्स के अंदर आती हैं, ऑर्डर के अंदर। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे। फेलिडे मेरे ख्याल से कैट फैमिली है। ठीक है, फेलिडे एंड कैनिडे दे आर द फर्दर फैमिलीज ऑफ द ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर में टाइगर कैट डॉग सब आते हैं, फिर उसके आगे फेलिडे एंड कैनिडे हैं। तो ये चीजें आपको सिर्फ लर्न करनी है। ठीक है, यू कैन क्रिएट द चार्ट्स ऑल्सो, यू कैन क्रिएट द चार्ट्स, जैसे अब आपको यहाँ पे बताया उसने एक कॉमन दे दिया क्लास, दैट इज अ क्लास, कौन सा दिया, मेमेलिया। मेमेलिया के आगे दो ऑर्डर्स दे दिए, अब चार्ट बना लो, मेमेलिया आगे दो ऑर्डर्स कर दो, उसके बाइफर्केट कर दो, दो एरो मारो, प्राइमेटा कार्निवोरा, कार्निवोरा के आगे फिर से दो हमारे पास फैमिलीज के नाम भी बने, फेलिडे एंड कैनिडे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेट्स से बी ए ई, बी ए ई इज अ कॉमन सफिक्स फॉर व्हाट, फॉर अ क्लास, फॉर ऑर्डर, फॉर फैमिली, फॉर फाइल, फैमिली, क्योंकि आपने पढ़े ही यहाँ पे डी ए ई फैमिली में, हो सकता है कोई और एक्सेप्शन भी आए पर हमारे पास तो डी ए ई कहाँ पे है, फैमिली के। ठीक है, समझ गए बच्चे? सो दिस इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी फाइंडिंग from this particular chapter. Anything else? Anybody? All set? So, chalo, abhi thoda sa time reh gaya hai. We can discuss a few of the session reason questions from the same biological classification first and then plant kingdom pe aate hum for the MCQs. Okay? Okay, assertion first. Listen to the question, you people. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड विद अल्कोहल। यस, अदिति एंड ख्याति आर सेइंग यस। जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो अल्कोहल से वॉश ऑफ कर देते हैं, मतलब तो यही बना ना, कि वो वॉश आउट कर देते हैं, दे डू नॉट रिटेन द स्टेन मींस कि वो वॉश आउट कर देते हैं। ग्राम पॉजिटिव पर्पल स्टेन होता है कि ग्राम नेगेटिव पर्पल स्टेन होते हैं, ये बता। पॉजिटिव होते हैं ना, तो फिर नेगेटिव वाले तो छोड़ देते हैं ना जब अल्कोहल में वॉश करते हैं। सो ट्रू है, हाँ, वॉश्ड विद अल्कोहल
है ना, ट्रू हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इज रीजन, द आउटर फेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स लिपोपॉलीसेकेराइड्स, अ पार्ट ऑफ विच इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन लिपिड्स. आई रिपीट, द आउटर फेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स लिपोपॉलीसेकेराइड्स, अ पार्ट ऑफ विच इज इंटीग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन लिपिड्स. Yes, Aditi is saying true. Test others. Please be quick for giving the answers. Diya says true. Anjali says true. Or Arnur is also true. So this is true actually. क्योंकि हमने ये पढ़ा है, gram negative they have high content of lipoproteins. याद है? है ना, सो दैट इज इट इज हैविंग द हाई कंटेंट ऑफ द लिपोप्रोटीन. सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड डज इट एक्सप्लेन द फर्स्ट फीचर? यस, बिकॉज ऑफ मोर ऑफ द लिपिड्स द वॉटर और द कलर स्टेन जो भी है दे आर रेजिस्टेड, ठीक है. सो दैट इज द रीजन. सो लेट्स से ए, ए इज द आंसर फॉर दिस. दैट इज, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट इज टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन वॉज इनसफिशियंट. ट्रू और फॉल्स? True, true. Anjali, true. Aditi, true. Diya, true. Harman, Arnu, true. Okay. Khyati and Ramanjit, true. Sahaj and Mitali, true. Very good. But provide the instant answers. That will actually give you the clear vision of how to save the time and give the correct answers, right? Majority of the organisms fail to fall into the categories. One second. Majority of organisms fail to fall into either of the categories in two kingdom classification. True or false? Aditi says true. Others? Diya, true. Harneet, true. Harnur, true. Ishnu, true. Ramanjit, Kyati, true. Correct. Sahaj, Mitali, true. Right. So this is true also. And is it the correct explanation? Does it support it? Yes. Because many of them were not falling into the category, so they have been classified into two kingdoms, but that was an insufficient, yes, that was an insufficient classification. So answer is A. Coming to the next, archaea bacteria are able to survive in harsh habitats. Are able to survive in harsh habitats, true? Okay, true, very good. Those who are giving the answers, na, they take the appreciations by themselves that you are at least giving the answers. Very good. And you know the concepts, right? Reason, archaea bacteria survive in extreme conditions due to the presence of peptidoglycan in their cell wall. Aditi, true. Diya, false. Why Diya, false? Anjali, false. Anji, why false? Diya. Ma'am, extreme habitats pe hote to ma'am, but wo uski cell wall aisi nahi hoti. Uski cell wall kiski bani hoti hai? Cellulose ki. Cellulose to sab mein hi hai. Peptidoglycan kisi ek organism mein humne padha tha, that was I guess in the lower organisms, लेकिन वो normal conditions में survive करने वाले organism है. Peptidoglycan की वजह से ये extreme condition में नहीं survive करेगा, है ना? Peptidoglycans मैंने कहाँ करवाए हैं आपको? Algae members में? नहीं, वहाँ पे algae वगैरह था. हाँ जी अदिति, want to say something? मैम बैक्टीरिया में किया था. बैक्टीरिया में ही किया था, लेकिन बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया जाएगा, नॉट अ फॉल्स. यस मैम, आउटर कवरिंग ऑफ आर्के बैक्टीरिया की जो वॉल्स की कंपोजिशन है वो पेप्टिडोग्लाइकन ही है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है दैट इज वेरी सिंपल सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज नॉर्मल, मतलब कैटेगराइज होता है. सो इट इज नॉट अलाउइंग इट टू एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करना. सो आई गेस दिस इज रीजन इज फॉल्स. बट सी, हां जी, reason is false. Is it written here? Kiska bana hai? Archaea bacteria are characterized by the absence of peptidoglycan in their cell wall. Instead, they contain protein and non-cellulosic polysaccharides. Okay?
आर्केबैक्टीरिया में लिख लो ये क्या होता है, दैट इज दे डू नॉट हैव द पेप्टिडोग्लाइकन बट दे हैव द प्रोटीन्स एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स बिकॉज ऑफ विच इट मेक्स इट सर्वाइव द हार्श कंडीशंस. ओके सो अगेन द टाइम इज ओवर, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुडेज टेस्ट. Today's test, revision test from these three chapters, right? I hope you will be giving good answers, thoughtful paper will be there. You have to think and then answer. Okay, don't rush in hurry just to say ki maine pehle khatam kar liya. Nobody is going to see ki aapne kab khatam kara hai na. So it is only well in time aapne khatam karna hai. And your test will be shared at 5 o'clock the same way, jaise aapka hota hai hamesha. So at 5 you will be getting your test. And all the very best to all of you for your revision test number 1. And anybody wants to ask any questions?